सखर में गुरुद्वारे के मुंतजमीन से भत्ता मांगने वाले एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक 5 नामजद और 2 नामालूम अफराद के खिलाफ थाना 20 सेक्शन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुकदमा हेड गुरुद्वारा अमरजीत सिंह की मदियत में दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि मुकदमे में कत्ल की धमकी, भत्ता इबादत में खलल डालने और दीगर दफात शामिल की गई हैं और दीगर नामजद मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। मुकदमे के मतन के मुताबिक मुलजमान ने गुरुद्वारा में आकर इबादत रुकवाई, कत्ल की धमकियां दी। मुलजमान मुख्तलिफ दरख्वास्तें और पटिशन दायर करके ब्लैकमेल करते आ रहे हैं और तामीराती काम रुकवा कर मुलजमान 7,50,000 रुपये भत्ता ले चुके। मुकदमे के मतन में कहा गया है कि चंद रोज कबल मुलजमान ने मजीद 1,00,000 रुपये का तकाजा किया था। पुलिस के मुताबिक पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम को रिमांड के लिए सिविल जज कंज्यूमर कोर्ट में पेश किया गया और अदालत ने मुलजिम को 14 रोजा रिमांड पर जेल भेज दिया।